36 मसाले डालने के बाद बनता है गोरेज मिसल, और गोरेज मिसल एंड फैमिली रेस्टोरेंट अपनी सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें एकदम ही महाराष्ट्रियन स्टाइल मसालेदार गोरेज मिसल का यमी मिसल, ऑल द वे फ्रॉम भांडुप वेस्ट। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, अंजलि क्या खा रहे हो यार? वड़ा पाव। वड़ा पाव, अच्छा कैसे है यहाँ पे गोरेज मिसल का खाना कैसे है? बहुत अच्छा है। क्या क्या ट्राई किया आपने? मिसल पाव, वड़ा पाव, अभी सेकंड टाइम आए हैं। आप सेकंड टाइम आए हो? अच्छा, और एक टाइम पे कितना मिसल पाव खा लेते हो? खा ले, एक ही खा लेते हैं। फ्रेंड के साथ? क्या नाम है आपका? पूजा कदम। पूजा, पूजा आप भी वड़ा पाव ही खा रहे हो? पहले खाया है मिसल यहाँ पे? हाँ यहाँ पे खाया। कैसा है, कैसा है मिसल यहाँ पे? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब कंपैरेटिव खाया वगैरह सब है एकदम? हाँ चांगला है। हाँ चांगला है। अच्छा थैंक यू। गोरेज मिसल के यहाँ पे अब रिव्यूज जानने के लिए हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? गीतेश। गीतेश हो यार, मेरे को पता चला आप इंजीनियर हो, क्या कर रहे हो? या हमारे मेट्रो का काम चल रहा है हमारा यहाँ पे, MMRDA का। अच्छा, मिसल का रिव्यू बाद में लेता हूँ, इम्पोर्टेंट वाली बात कर, कब हम कम काम कब खत्म होने वाला है मेट्रो का? वन ईयर में हो जाएगा फटाफट। मिसल मैं यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ, यहाँ पे मैं खाना खाने आता हूँ। बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। ओके। तो यहाँ पे जितना आजूबाजू के एरिया में जहाँ पे मैं गया हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर एक होटल यहाँ पे घुमा हूँ, ऐसा मिसल यहाँ पे नहीं मिलता, ऐसा मिसल यहाँ पे नहीं मिलता। सो गाइस, कैप पहन लिया है, मास्क लगा दिया है, एंड आई विल बी एंटरिंग गोरे मिसल्स किचन। एंड हमारे साथ में है सर, आपका नाम? दीपक गोरे। दीपक भाई है, दीपक भाई आपने इन्वाइट किया हमें, थैंक यू सो मच। और अब आप हमें मिसल बताने वाले आपको रेसिपी कैसा है, क्या है, आपको सब बताने वाला है। पूरा स्टेप बाय स्टेप। आपने पहले हमारे वीडियो देखे थे? वीडियो बहुत देखे आपके, आपको मैं फॉलोअर हूँ। अच्छा, और हमेशा देखता रहता हूँ, इतना लाइक करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, शेयर भी करने का। इनसे आप लोग सीखो कुछ, वीडियो शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और अगर रेस्टोरेंट है तो इन्वाइट भी करते हैं। आपने बताया कि आपका जो मिसल एकदम हटके है। हाँ हटके मिसल है। अच्छा गाइस, मेरा रीज़न यहाँ पे है क्योंकि इनका नॉनवेज मिसल भी बहुत, मैंने सुना ही नहीं है एक्चुअली। नॉनवेज मिसल एक्चुअली ये रेसिपी कम से कम 5 से 6 साल हो गए हम लोग ईजाद की। सुपर हिट है यहाँ पे, सुपर हिट है यहाँ। तो चलो इनका नॉनवेज मिसल भी कवर करते हैं, और मैंने इनका मेन्यू डाला था, आपका मेन्यू डाला था मैंने कम्युनिटी टैग पे, लोगों ने बोले आप वहाँ जा रहे हो तो मिसल भी कवर करो। तो पहले मिसल करते हैं, फिर बाद में नॉनवेज मिसल करते हैं। लेट्स एंटर द किचन। सो वी एंटरिंग द किचन, और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे अभी जो अपन जो बना रहे हैं, यहाँ पे जो फरसान बनता है मिसल का, जी जी, पूरा इधर ही बनता हो। अच्छा, ये घाटिया घाटिया और जो भी घाटिया, इसमें अपना बड़ा सेव, दाढ़ा सेव और पतला सेव, जो बारीक सेव बोलते हैं अपन, जी जी जी, हाँ सब इधर ही बनता, सब इधर ही बनता। मिसल का जितना भी आइटम है पूरा इधर ही बनता, सारा आइटम इधर ही बनता। ओके ओके, और यहाँ पे आपको हमारा मिसल बनना है। यहाँ पे अपन जो मिसल के लगने वाला जो बेस ग्रेवी है, जी जी, वो यहाँ पे बनने वाला है अपना। हाँ, तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, उसके बाद में फिर मिसल का ग्रेवी बनाएंगे अपन। ओके, बाद में मिसल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बेस ग्रेवी बना रहे हैं। ये दोनों का सेम ही रहेगा, चिकन के लिए भी और चिकन बेस बनवा वेज सेम। तेल अच्छा खासा ले लिया। हाँ, अदरक डालो बस, थोड़ा ये अदरक डाला है, अदरक डाला है। इसके बाद में लहसुन डालेंगे, लहसुन दिखा दीजिए, एक वाटी पूरा लहसुन, और एक वाटी अदरक डाला है, लहसुन डाला है, और ये क्या डाल रहे हैं? कड़ी पत्ता डाला है अभी, हरी मिर्ची डाला हुआ है अपन ने। कितना हरी मिर्ची डाला है? हरी मिर्ची 7 से 8 हरी मिर्ची है उसमें। ड्राई कोकोनट ये दिखा दीजिएगा, जो भी डालेंगे आप दिखा दीजिएगा मुझे। ड्राई कोकोनट है ये, ड्राई कोकोनट भाई मेरे दिखा दें मेरे को, कोकोनट सीधा आप डालोगे तो मेरी ऑडियंस को दिखेगा ये ड्राई कोकोनट है। हाँ, तो ये सारे मसाले डाल दिए, अभी इसको भून रहे हैं उसको। में फिर अपन जो भेड़ी मिर्ची है, जी जी, वो उसमें डालेंगे। अच्छा, कम से कम 15 से 16। ये बेस ग्रेवी बना रहे हैं, ये हमारे चिकन के लिए भी जाएगा, और जो भी अलग अलग मिसल है उसके लिए ये बेस ग्रेवी लगने वाला है। आपने कहा था आपका थोड़ा हटके है ना मिसल? हटके मिसल है। आप टेस्ट करेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा। अच्छा,
और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वुमेन एम्पावरमेंट भी है यहाँ पे, महिलाओं को आपने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया। 80% महिला लोग यहाँ पे काम करते हैं अपने यहाँ पे। अच्छा, और फैमिली मेंबर्स भी? फैमिली मेंबर है ना हमारे, अम्मा है। अच्छा, ये आपकी आपकी मॉम है? मॉम है। आपके भाई? भाई साहब बड़े भाई है जी, हेमा हेमा ताई वाइफ है हमारी। अच्छा, ओके। और हमारे अब्बा। अच्छा, अरे वेरी नाइस, मतलब आप लोग फुल 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 फैमिली इसमें। और ये हमारा एक और प्लेट, ये कितना किलो होगा कांदा? ये कम से कम 1.5 किलो 2 किलो कांदा, 1.5 से 2 किलो कांदा है। इसको अभी कितना देर भुनेंगे? कम से कम एक 15 से 20 मिनट भुनेंगे उसको। 15 से 20 मिनट। हाँ, उससे क्या होएगा कि उसका जो कड़कपन जो है पूरा नरम होना होता है, एकदम सॉफ्ट कांदा, एकदम सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट एकदम। अच्छा अच्छा, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसको अभी भुनना है, अच्छी तरह भुनना है उसको। ये मसाले भून रहे हैं और ये इतना बड़ा थाली आ गई अब क्या पूरे भाव क्या है ये? ये पूरे पाइसेस है, खड़े पाइसेस हैं जी जी। इसमें अपन डालने वाले हैं पूरे जी जी। इसमें जो है कार्डियम है, इसको इलायची बोलते हैं उसको, इलायची एक 5-7 डालेंगे अपन इसमें। हाँ, ये पॉपी सीड है, पॉपी सीड मीन्स अपना खसखस। खसखस एकदम शाही है आपका तो, मिसल इतना सारा इन्ग्रीडियंट जा रहा है, मैं खुद पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नटमेग को ही करना छोड़ना पड़ेगा, इसमें अक्का धनिया रहेगा। अक्का धनिया भी जा रहा है, क्या बात है, मतलब स्वाद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये हमें ये बड़ी शॉप है, बड़ी शॉप। हाँ, खुशबू आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। ये शाहजीरा है, शाहजीरा क्या बात है, शाहजीरा बड़ा इंटरेस्टिंग मिसल बनते जा रहा है आपका। काला इलायची दो काला, बड़ा इलायची, बड़ा इलायची। हाँ, ए स्टार अनीस, स्टार अनीस। ये है काली मिरी, काली मिरी, काली मिरी। ओके, और यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूसली ये चलते ही जा रहे हैं और एक मसाला डालते जा रहे हैं। ये है मैस, जायपत्री, जायपत्री, जायपत्री डाल दिया आपने। बाद में है लौंग, लवंग, लवंग भी डाल दिया है। क्वांटिटी कुकिंग हो रही है दोस्तों, और ये थोड़ा तो राई जाएगी, राई है तो हल्का सा आपने लिया जी। ये बात तेज पत्ता और तेज पत्ता, ये जाएगा तेज पत्ता, बे लीफ, ये आपने 2 पीस डाल दिया। ये है नटमेग, नटमेग। ओके ओके, ये इसमें जाएगा एक 2 से 3 टुकड़ा जाएगा, खाली 2 से 3 टुकड़ा नटमेग डाल रहे हैं बस। इसमें ये बाद में फिर दालचीनी, दालचीनी भी आ गई है, सिनेमन, सुपर सुपर सिनेमन स्टिक्स आ गए हैं। बाद में सेसमी सीड, सेसमी सेसमी सीड, तिल, 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 सफेद तिल बोलते हैं। क्या बात है, वाकई में आपका मिसल बहुत अलग टेस्ट करेगा, मेरे को देख के ही समझ आ रहा है। ये रॉक स्टोन है, उसको अपन दगड़ फूल बोलते हैं, दगड़ फूल। ये देख लीजिए दोस्तों, इसको दगड़ फूल बोलते हैं, रॉक स्टोन, दगड़ फूल, दगड़। अच्छा अच्छा, अभी बाकी और मसाले क्या बात। इसमें इसको बोलते हैं अजवाइन, अजवाइन, क्या बात, ओवा, ओवा, अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा है। हाँ, डाइजेशन के लिए अच्छा है अजवाइन। आपने एक चुटकी डाला? हाँ, एक चुटकी बहुत हो गया। हाँ, खुशबू आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। बाद में ये आएगा मेथी, मेथी, ओके। हाँ, क्या बात, कड़ा मेथी। इंडियन मसाले मतलब सब पूरे पाइसेस को, सारे स्पाइसेस आ गए, सारे पाइसेस आ गए उसमें। और ये भूनते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, ये मसाले खत्म हो, अरे बाप रे, मतलब आपने क्या पूरा मतलब मार्ट में गए, पूरा डीमार्ट उठा के लेके आ गए। इसमें 36 टाइप के मसाले गिरते पूरे, 36 टाइप के, 36 टाइप के, ये मसाले आप लोग बना रहे हैं? वन डे अप, वन डे डाउन। क्या बात है, मतलब। और ये 36 मसाले वाला मिसल है भाई, कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी, क्या बात है। मैं शुक्रिया था एक और बार करना चाहता हूँ, आपने बुलाया, इनवाइट किया मुझे, और कसूरी मेथी जा रहा है। अच्छा, इसको देखो ऐसा मसल के आपको क्रश करके डालना है कसूरी मेथी को, ये स्टाइल से उसका खुशबू जो ना और बढ़ जाएगा, और खुशबू बढ़ जाएगा।
बाद में मगज जा रहा है उसमें। मगज, ओहो, इससे क्या है थोड़ा चिकनाई आती है, थिकनेस भी आ जाएगा उससे, थोड़ा शाही फ्लेवर शाही भी हो जाएगा। ये काजू टुकड़ा है। अरे क्या बात है, मतलब ये नॉर्थ इंडियन भी इंजॉय करेंगे ये वाला मिसल। मराठी तो हमारे जितने मित्र है। बाद में लास्ट में हल्दी है, ले भारी, एक 1 टीस्पून एंड हाफ। येलो कलर आ जाए, येलो कलर, हाँ पूरा संभला की आता बस एवढंच आहे आता फक्त बस व्यवस्थित एकदम फ्राय झाल्यानंतर आपली मेन रॉ ग्रेव्ही तयार होईल, त्यानंतर आपण ती मिक्सरमध्ये टाकून आपण त्याला ग्राइंडिंग करणार। ग्राइंडिंग करणार ये देखिए, अभी जैसे जैसे ये भून रहा है ये धीरे धीरे एक साथ मिक्स हो रहा है, कम होते जा रहा है क्वांटिटी, बट ये अभी इसको भूनने वाला थोड़ा, अभी ये सारे मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पर, क्योंकि हर एक मसाले की आइडेंटिटी अलग अलग रहती है। अच्छा, क्योंकि किसका लो फ्लेम में चलता है, किसका हाई फ्लेम में चलता है, खसखस है, खसखस है, खसखस को लो फ्लेम में चलता है, या समझो अपना कार्डियम इसको लो फ्लेम चलता है, हर एक हाई फ्लेम में चलता है, मसाले अलग 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 टेम्परेचर पास करते हैं। ओके, वेरी नाइस, ये सीखने भी मिल रहा है दोस्तों, बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड वी आर इन गोरे मिसल किचन यार, और ये मसाले मिक्स हो गए हैं और अभी गैस बंद करने वाले हैं, और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालेंगे। क्या खुशबू आ रही है, तो ऐसी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लुक एट दैट यार, सारे मगज काजू मसाले, मतलब मसाला तो मेरे को लगता है आपने मॉल में से सारे मसाले उठा के लाके डाल दिए शायद आपको एक मसाला मेरे को लगता नहीं है छूटा होगा। तो ये मिसल का मेन मसाला बन गया, बन गया। हाँ बस अपन उसमें अभी पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल लेना है, ऑयल का थोड़ा गरम कर लेंगे हल्का सा, अच्छा सा अच्छे से गरम करें। हाँ, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लिया है और ये हमारा मसाला है, इसको अच्छे से गरम करना है। कांदा डालेंगे उसमें अपन, कितना कांदा डालना होगा, 3 कांदे डालेंगे उसमें, 3 चॉप कांदा डालेंगे उसमें, और ये अभी ब्राउन होने तक कांदा वापस भूनेंगे। हाँ, वापस भूनेंगे, और ये अब कांदा ब्राउन होने के बाद कड़ी पत्ता डाला है, जीरा नहीं डाली, अभी आप डाल रहे हैं राई, जीरा डाला हल्का सा, और ये हल्का सा राई डाला थोड़ा, कांदा भून गया है, कांदा भूनने के बाद उसमें जो बेस ग्रेवी अपन जो बनाए थे जी दम मार के उसको उसमें डालेंगे अपन, और ये एक बड़ा चम्मच, दो चम्मच तीन चम्मच। अच्छा, ये बेस ग्रेवी तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं बाद में भी, मैं ख़राब नहीं होता ना? नहीं नहीं, खराब नहीं होता। ये बेस ग्रेवी जो है एक बार दम मारने के बाद कम से कम 6 महीने एक बार फ्रिज में रखे तो ख़राब नहीं होती अपने पास ये, क्या बात है, क्योंकि बनाने का तरीका ही वैसा है उसका। अच्छा, ऐसे हाँ, ये अब कलर आने के लिए कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी पाउडर और जितना स्पाइसी चाहिए उतना, और कश्मीरी पाउडर थोड़ा स्पाइसी मांगता है तो उसका, उसके लिए अलग से टिका, लाल टिका, लाल टिका करके है उसमें मटर डालेंगे अपना, थोड़ा टिका बनाओ ना, ठीक है आप जैसे बनाते, मीडियम मीडियम स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी। अच्छा, मुंबई में मीडियम स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी चलता है, थोड़ा थोड़ा हाँ, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, हमारे चैनल पर भी बोवाची मिसल का भी है, ये कौन सा पाउडर, जीरा पाउडर, और ये इसका गर्म मसाला, गरम मसाला भी डाला, इसके बाद ये मटकी डालेंगे, और ये धीरे मटकी डालेंगे, मटकी डाल अच्छे से एकदम अपने ऊपर तभी आने तक उसको फ्राई करेंगे उसको। अच्छा, मटकी डालने के बाद अभी इसको गरम पानी इसमें डालेंगे, अभी इसको अच्छे से पहले भूनोगे, ऊपर तरी आने तक भूनेंगे उसको, सॉल्ट डाला जा रहा है स्वाद अनुसार,
धीमे आंच पे थोड़ा ऑयल ऊपर आने तक उसको थोड़ा भून लेंगे अपन। अच्छा, भूनना है जब तक ऑयल अलग ना हो जाए। ये अब पूरा ऑयल छूटने लगा है अभी, इसका मतलब ये पूरा ग्रेवी पक चुका है, पक चुका है। और अब पानी डाल रहा हूं। हां, पानी डालेंगे एक टपू आराम से। आपका फेवरेट मिसल कौन सा है? मेरा फेवरेट मिसल तो मेरा फेवरेट ही है, क्योंकि नॉर्मल मिसल, मैं तो वेजिटेबल हूँ। अच्छा, बनाता हूँ लेकिन खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा। और ये तीन अब आप तीन कप पानी डाल दिया है। हाँ। ये तो जैसा आपको और ग्रेवी चाहिए तो और भी आप डाल सकते हैं। और डाल सकते हैं। ये तो चार कप हो गया पानी, चार बड़े चम्मच। और इसको अभी दम करना है ना? दम करना है इसको। एक बार उबाला है तो ऊपर तरी धीरे 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 तरी ऊपर छूटते रहेगा। फिर उसको अभी क्या कर रहे हैं? अभी इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा रखेंगे। अच्छा, हाई फ्लेम पे रख के उबालने वाले हैं। अच्छा, जब तक तरी ना छोड़े। तरी ना छोड़ेगा। गुरे भाव, ये हो गया अभी? हाँ, कंप्लीट हो गया। अभी देखो तरी पूरा ऊपर आ रहा है, देखो मस्त, एकदम पक गया है, एकदम पक गया, एकदम पूरा पक गया, पूरा पक गया। अभी आपने खाने के लिए सर्व करने के लिए रेडी हो गया अपना, सर्व करने के लिए रेडी हो रेडी। तो ताई क्या क्या? सबसे पहले इसमें बर्तन आएगा। परसान? अजय, परसान भी इधर ही बनता है ना? परसान इधर ही बनता है, अपना होममेड परसान है पूरा। अच्छा, होममेड बनता है? हाँ, होममेड। ऑयल में ये परसान पूरा तैयार होता है अपना। ये क्या बात है, आना पड़ेगा वापस अभी देखने के लिए। परसान भी लोट कैसे बनता है? और ये आपने प्याज ले लिया, प्याज में आपने हल्का सा ये नींबू डाला है, एक गुलाब जामुन। अच्छा, पूरा थाली है, पूरा मिसल थाली है, तीखा मीठा सब कुछ साथ पर। और ये स्प्राउट है, स्प्राउट को हल्का सा आपने फ्राई किया है ना मसाले में। और ये तरी, ये जो हमने तरी बनाई थी वो है ना? क्या बात है, कैसा प्लेट मिल जाता है? ये पर प्लेट 60 रुपए है। 60 रुपए? अरे क्या बात है। और ये जो थाली आप लगा रहे हैं ये कितने की मिलेगी? ये थाली 75 में। 75 रुपीज़ में? क्या बात है, मतलब आपने 75, 15 रुपए और मिला लो, गुलाब जामुन भी आ जाएगा और या एक्स्ट्रा तरी भी आ गई। और ये ऊपर आपने ऐसे प्याज डालना है, बारीक शेव है और ऊपर बारीक शेव भी डालेंगे जो इन्होंने खुद ने यहाँ पर ही बनाई है। वाह। और ये धनिया, तो बिग साइज पाव आते हैं। और ये दो बड़े वाले पाव भी आ गए। अच्छा, ये भट्टी वाले स्लाइस है। सुपर, ये 75 रुपीज में पक्का? क्या बात है। Guys, do thank the entire team of Gore's Misal for sharing their recipe with us. Thank you so much. आ करिए, आ आ आ, चलिए मैं खा लेता हूँ। नाइस, वेरी टेस्टी, नॉट वेरी स्पाइसी एंड इट्स काइंड ऑफ स्मूथ, क्योंकि इन्होंने झकास है। देखिए, मेरा मेन मकसद था, ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, दिस इज मिसल, इट्स आउटस्टैंडिंग एंड यू नीड टू कम हियर एट गोरेज मिसल। मैंने एड्रेस दिया है, नंबर दिया है, कॉल करिए, ज़रूर ट्राई करिए। एंड नेक्स्ट एपिसोड में इनका नॉनवेज मिसल भी आने वाला है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं एक और बाइट के साथ इजाज़त लेता हूँ। दिस इज़ मोहसिन खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, शबा खैर, बी हंग्री, खुदा हाफिज़।